जो यहाँ के प्रभारी हेडमास्टर है उन्होंने शुरू में एडमिशन लेने से मना किया, लेकिन जब क्या नाम है जी आपका? सौरेश कुमार। सौरेश कुमार जी। लेकिन जो कंप्लेंट है जिसने किया है, उसने जब दोबारा उनसे मिला तो उन्होंने इसको आश्वासन दिया कि तुम्हारा एडमिशन जो है हो जाएगा। लेकिन एक हमारे पास ऑडियो आया और बीच में पेपर का कतरत भी आया था, जिसमें था कि 2000 रुपये पैसे के जो एडमिशन के नाम पे जो है ना यहाँ के जो क्लर्क है उनके द्वारा मांग दिया गया और उनके द्वारा इनको जो है प्रताड़ित भी जो है किया गया। तो मैंने इनका रिटेन में स्टेटमेंट लिया है, जो भी जो है इनका स्टेटमेंट रहेगा। और भी मैंने जो अदर टीचर्स थे जो उस टाइम प्रेजेंट थे, मैंने उनका भी रिटेन स्टेटमेंट लिया है। तो सारे स्टेटमेंट का आकलन करने के बाद जो भी एक एक कंक्लूजन पर जो है एक निर्णय हम लोग लेंगे, और अगर लगेगा कि नहीं इन्होंने जो है जैसे पैसे की मांग की है या इसको प्रताड़ित किया तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। एडमिशन इसका जो है मैंने इसको आश्वासन दिया है कि इसका एडमिशन हो जाएगा। और पैसा जो आरोप लगाया है उन्होंने? पैसे का आरोप चूंकि मैंने इसे पूछा कि जिस तरह का डाइट का या फिर प्रताड़ित का जिस तरह तुम्हारे पास ऑडियो है उसी तरह का पैसे का कोई साक्ष है क्या? तो साक्ष तो नहीं दे पाया, लेकिन ये दे रहा है कि जो है पैसा मांगा गया, लेकिन ना तो कोई साक्ष है। प्रिंसिपल लगाया और प्रिंसिपल के लिए तो अभी बोल दिया। प्रिंसिपल हम नहीं कर रहे उससे, नहीं नहीं मैंने लड़के से बात की, दो एक डेढ़ घंटा हो गया। प्रिंसिपल का जो है इसने नाम नहीं लिया अभी सामने, जो कि हम लोग अभी लड़का प्रिंसिपल के द्वारा मांगा गया था क्या पैसा? प्रिंसिपल के द्वारा नहीं मांगा गया, नहीं प्रिंसिपल के द्वारा नहीं मांगा गया। जो आवेदन तुम लिखे थे प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल के द्वारा क्लर्क से, ठीक क्लर्क के द्वारा मांगा गया है और रिटेल में दे रहा है। और जो इसको फिजिकली हैरेस करने की बात है वो भी क्लर्क के माध्यम से हुई। तो जो भी जो स्टेटमेंट देगा उस बेसिस पे जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।